नमस्कार दोस्तों, माई करने के लिए मैं आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये है बोगनविलिया का प्लांट और ये इस पर वाइट कलर के फूल आते हैं। हमारे पास वैसे तो 3-4 वैरायटी है बोगनविलिया की। जैसे आप ये देख रहे हैं, इस पे येलो कलर के फूल आते हैं और इस पर देखिए पिंक कलर के फूल आए हुए हैं बंच में। और ये देखिए एक नई वैरायटी है, इस पर पिंक और वाइट मिक्स है और ये भी बंच में देखिए काफ़ी अच्छे गुच्छों में है। और देसी वाली भी हमारे पास बोगनविलिया प्लांट है, उनके तो हमने बोनसाई भी बनाए हुए हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, इन पर फ्लावरिंग हो रही है। ये देसी बोगनविलिया है। एक हमारे पास ये वाइट वाली बोगनविलिया नहीं थी, इसीलिए मैं एक ये वाइट रंग का ये बोगनविलिया प्लांट है लेके आया हूँ और इसको आज हम लगाएंगे। हमारा एक बड़ा ग्रो बैग है 18x18 का। ये ऊपर छत पे वैसे ही खाली पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसमें जो धूप के प्लांट है वो ही लगाए, तो मैं इसमें बोगनविलिया का प्लांट लगाऊंगा और काफ़ी अच्छी बड़ा प्लांट तैयार करेंगे। तो इसमें मिट्टी पहले से भरी हुई है, तो इसको ये जो पॉलिथीन आते हैं इसको हम पाल लेते हैं। रूट वगैरह अच्छी बनी हुई इसमें देख रहे हैं आप। और अभी हमने ये प्लांट लगाया क्योंकि धूप अभी काफ़ी है, अभी लगाया है तो 15-20 दिन या महीने तक हम इस पर थोड़ी छाया बना के रखेंगे। जब हमारा प्लांट सेटल हो जाएगा, ग्रोथ पकड़ लेगा, तब इसको हम हटा देंगे, क्योंकि ये धूप में चलने वाली प्लांट है। तो हमने अब लगा दिया है तो इसमें हम वाटरिंग करेंगे। दोस्तों इसमें हमने वाटरिंग कर दी है। तो बोगनविलिया की कई कलर में आते हैं, तो आप छोटे पॉट में भी इसको लगा सकते हैं, जमीन में भी लगा सकते हैं। बेल चलाना, बेल बनाना चाहते हैं बेल भी बना सकते हैं। एक बूसी प्लांट बनाना चाहते हैं तो बूसी प्लांट भी बना सकते हैं। जैसा कलर आपको पसंद हो आप लाकर अपने घर में लगा सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।